तो हे गाइस, कैसे आप सब लोग? होप करता हूँ सब बढ़िया ही होगे। वेल गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग जो है चार बेस्ट अच्छे काम किए थे। जैसे कि पहला चीज हम लोग ने किया कि हमारे जो कार्ट है उसका हमने कैपेसिटी बढ़ा दिया ताकि उसके अंदर हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंग्रेडिएंट रख सके। दूसरा चीज हमने ये किया कि हमारा जो बक्सो मैन था उसका थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया और वो ज्यादा टाइम लॉन्गर काम कर सके, ये चीज भी हमने करा दिया था। फिर तीसरा चीज हमने ये किया कि हम लोग 10,000 रुपए उससे कमा लिए, जो कि बहुत बड़ी बात होती है भाई, 10,000 रुपए हम लोग कमाए। तो ये अच्छी अच्छी चीजें हम लोग ने कर ली थी। लेकिन आज मैंने सोचा कि हम आज क्या करेंगे, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि हमने अभी तक सिटी एक्सप्लोर नहीं किया, और जहां तक मुझे पता चला है कि इस सिटी में बहुत सारे हिडन चीजें भी हैं, हिडन प्लेसेस हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लोर बिल्कुल भी नहीं किया। तो आज मैं सोच रहा हूं कि हम लोग क्यों ना हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करें और कुछ नए चीजें डिस्कवर करें जिससे हमको हेल्प हो सके और अपने बक्सों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो जल्दी से गेम के अंदर चलते हैं और फटाफट से जितने भी हिडन प्लेसेस हैं हम लोग इसको अनहाइड करके अपने बक्सों के बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो जल्दी चलो गेम के अंदर। तो गाइस, जैसे कि हम लोग गेम के अंदर आ चुके हैं, तो आज का दिन हम लोग जल्दी से अपना फटाफट से चालू करते हैं, क्योंकि भाई आज हम लोग ने जैसे कहा है कि हम लोग हिडन प्लेसेस को फाइंड करेंगे। और क्योंकि देखो, जैसे कि तुम लोगों को मैं दिखाता हूं, अभी गेम के अंदर चलते पहले और मैं तुम लोगों को दिखाता हूं कुछ अच्छी चीजें, जैसे कि तुम लोगों को ना पता होगी। देखो, अब ये जो है ना हमारा टैबलेट, इसमें एक चीज है, वो है ये क्वेस्ट। ये क्वेस्ट में हम लोग ये बहुत सारे चीजें देखते हैं। ये सब चीज क्या है मेरे को भी पहले नहीं पता था, मैंने गलती से ये जो दो भाई है इनसे शायद मीटअप कर लिया कहीं पे, अब मुझे ये नहीं पता चला मैंने कब मिला। लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं इनको हम अभी डिस्कवर करने का ट्राई करेंगे। ये जो क्वेस्ट है, हम ये क्वेस्ट अब इसमें नजर रखेंगे और अपने साथ ही साथ बिजनेस भी चलाएंगे इसके साथ साथ, ताकि हम लोग ये सब चीज कंप्लीट कर सके क्वेस्ट के साथ। तो चलो जल्दी से गाइस, हम लोग अपना पहले अपना बिजनेस ओपन कर लेते हैं। कार्ड जितना भी हमारा इस साइड से चलते हैं, उस साइड से ना रास्ता मेरे को थोड़ा लॉन्ग कट टाइप लगता है, तो इस साइड से जाने में ना थोड़ा इजी पड़ती है मुझे रास्ता, और इस साइड से रास्ता मुझे याद भी हो गया ना, तो एक तरीके कार्ड इस साइड नहीं है, इस साइड होगी हमारी। ये हॉन्टेड हाउस है गाइस, ये तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है। तो या तो गाइस हम लोग ना अपना कार्ड जो है ओपन कर दिया, अपना बक्सो कार्ड, और अब लोग आना चालू हो जाएंगे जहां तक मेरे ख्याल से। तो हम लोग जल्दी से बिना लेट के यहां पे रीस्टॉक कर देता हूं मैं गैस को, जहां तक रीस्टॉक करके रखना। अच्छा ठीक है, ये भी है रीस्टॉक। और कुछ चीज खत्म हुई है क्या? मैं एक चीज चेक कर लेता हूं, अगर कुछ खाली हुई होगी तो हम लोग उसको भर देंगे तुरंत, उसके बाद हम अपने काम पे लग जाएंगे। ये भर देता हूं, और कुछ चीज की मेरे हिसाब से अभी नीडेड रहेगी नहीं, तो ये सब ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जल्दी से अपने क्वेस्ट वाले जगहों पे। अब हम लोग को बहुत सारे जगह हिडन जगह है वो हमको खोजनी पड़ेगी, जैसे कि ये पता नहीं कॉल सुरीस बेस्ट रियल स्टेट एजेंट इन टाउन। अच्छा गाइस, तो ये जो हमारा क्वेस्ट था ये जो है ये एक रियल स्टेट आदमी, अगर हम लोग को घर वर लेना होगा, कुछ लेना होगा, तो ये जो बंदे इससे हम लोग को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में तो पता चल गई है। बाकी और हिडन जगह ढूंढते, जैसे कि ये देखो गाइस, ये एक मैम है, इनसे बात करते हैं। गार्ड जी ये क्या बोल रही है हमको? डिफीट 6 थीफ 60 थीफ। अच्छा, 60 चोरों को हमको पकड़ के लाना है, तो ये हमारा क्वेस्ट जो है वो पूरा हो जाएगा। ऊपर से यहाँ पे एक और टेबल। ओ भाई 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 भाई, इधर ये क्या है? क्लीन क्लॉन्ग क्लीनर, पता नहीं भाई ये क्या है। हम लोग को एक टेबल मिल गया ये गाइस, तो ये टेबल को हम लोग वहां लगा के आ जाते हैं फटाफट से। और चोर अब की बार आएगा तो उसको बहुत गंदे से मारूंगा मैं। भाई ये कहां से आ रही है भाई? ये चोर आएगा ना इस बार, उसको बहुत गंदा मुक्का पड़ेगा मेरे हाथ। इस बार मेरे को नजर भी रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें भी करनी है। यहां पे कोई हिडन प्लेसेस है क्या गाइस? यहां चेयर मिली है गाइस, कम ऑन, हम लोग को एक चेयर मिल गई है। जैसे कि गाइस मैं तुम लोग को बोला था हिडन प्लेसेस बहुत सारे जगह है, तो हम लोग को वो हिडन प्लेसेस जैसे जैसे फाइंड करते जाएंगे हम लोग को बहुत सारी चीजें पता चलती जाएगी। तो हम लोग और जितने भी हिडन प्लेसेस है वहां चलते हैं और धीरे धीरे करके सब हिडन प्लेसेस को हम लोग डिस्कवर करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे कोई हिडन प्लेसेस यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी कोई हिडन प्लेस था क्या? यहाँ पे कुछ हिडन प्लेसेस नहीं है मेरे ख्याल से, आई गेस इधर भी कुछ नहीं है। बाकी इधर चलते हैं अंदर, इधर कुछ हिडन प्लेसेस है क्या? तो हम लोग देखते हैं इधर अंदर क्या है। ये टॉयलेट है, टॉयलेट में तो क्या ही छुपा के रखेगा कोई। अच्छा ये क्या बोल रही है? लुकिंग फॉर अ लैंडस्केप पेंटिंग, आई एम सेलिंग इट फॉर LP। अच्छा आए हम लोग खरीद लिया। अरे यार मैंने पेंटिंग खरीद ली गलती से, कोई बात नहीं। अच्छा ये पेंटिंग बेचती है मैम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये टॉयलेट है, ये क्या है? अच्छा ये हम लोग फील्ड खरीद सकते हैं। अच्छा ये जमीन हम खरीद सकते हैं, भाई बहुत महंगा, अभी तो मेरी इतनी औकात नहीं है खरीद के। ये 75 का है, 75,000 भाई, ये तो बहुत महंगे महंगे जगह है। यहाँ पे हम लोग उगा सकते हैं, मेरे ख्याल से खेती कर सकते हैं। क्या है? लुकिंग फॉर अ पेंटिंग, आई एम सेलिंग इट फॉर। नहीं भाई नहीं चाहिए हमको, पेंटिंग वेंटिंग नहीं चाहिए। ये क्या है? अच्छा ये रहा, ये सूरी भाई है। अच्छा ये रियल एस्टेट का काम करते हैं। हे यू आर बैक, डू यू नीड समथिंग? नाउ Oh, you are interested in buying a piece of land? अभी तो फिलहाल आपसे बात कर लेते, बाकी आगे देखेंगे। You are just in time because the building behind your Bakso cart is on sale. It's really good place for your Bakso business. If you want it, don't waste any more time. I will get the documents ready in no time. But first, please pay this administration fee. I bet you won't regret it. Pay initial fee. मेरे को अभी नहीं करना भाई, अभी तो फिलहाल दूर रखो। ये सब चीज हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी मेरे को फिलहाल ये लेना नहीं है। इससे कुछ होता है क्या? अच्छा हम लोग यहाँ से भी पानी ले सकते हैं। अच्छा ये भाई भी यहाँ पे एक हिडन है, ये भाई से बात करते
क्या करते हैं, हेलो आर यू लुकिंग फॉर मी, मेरे को तो पता ही नहीं है तुम कौन हो भाई, सो यू आर अ बक्सो बिजनेसमैन, माय नेम इज स्लैफ, आई एम अ रिफ्यूजी, ओके, माय होम इज डिस्ट्रॉयड बाय अ रीसेंट डिजास्टर एंड नाउ माय सिब्लिंग्स एंड आई डोंट हैव अ प्लेस टू लिव, ओके, कैन यू हेल्प मी, दिस डेज इट्स हार्ड फॉर माय सिब्लिंग्स एंड आई टू गेट अ गुड स्लीप एज वी डोंट हैव अ गुड बेड टू स्लीप ऑन, ओके, कैन यू गिव मी 3 अगली बेड्स, आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल इफ यू गिव दैट टू मी, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, प्लीज ब्रिंग मी, ये हमारे लिए शायद गाना गाएगा गाइस, अगर हम लोग इसको 3 अगली बेड ला के दे देंगे तो हमारे लिए 3 गाना गाएगा, लेकिन ये गलियां हैं, ये गलियां में देख लेते हैं हमको कुछ मिलेगी क्या, ये तो मैंने मिल के आ गया, ओ गाइस ये जितने भी चीजें हम लोग ये उठा लेते हैं हमको शायद काम आ जाएगी आगे चल के, ये मैं अपने उसमें रख दूंगा कार्ट में, और मैं जल्दी से अभी चलता हूँ कार्ट में रख के आता हूँ, क्योंकि चोर अगर आ गया उधर गलती से भी तो मैं उसके आसपास रहना है इस बार, अगर इस बार वो भागने का कुछ लेके ट्राई किया तो मैं उसको धुप्पा मारूंगा एकदम तेजी से, बाकी वो कुछ लेके ना भाग पाए, अभी तो फिलहाल सब कुछ सुख शांति के साथ चल रहा है, अच्छे से चल रही है, ठीक है, ये भी भर गया, 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 चलो रिफिल हो गया, इस तरीके से हम लोग कार्ड चेक कर लेते हैं हमारा, इसमें तो सब कुछ ओके ओके चल रहा है, मतलब इसके पास सब कुछ है, वेल वो हम लोग जो इंसान से मिल के आए थे स्लैब से, उससे हम लोग एक बार 3 अगली बेड उसको दे के आएंगे, अगली बेड मतलब वो जितने भी बेड हम जिस बेड में सोते हैं हमारे घर में वो भी अगली बेड ही है, तो वो वाला बेड एक ठोक हम लोग को उसको 3 ठोक खरीद के देना है, अगर हम लोग उसको 3 ठोक खरीद के दे देते हैं तो आदमी जो है हमारे लिए यहाँ पे गाना गाया करेगा, और उससे क्या है हमारी सेल्स भी बढ़ेगी और शायद हो सकता है हमारी रेटिंग भी बढ़ जाए, तो ये वाला चीज तो बहुत अच्छा चीज है यार, मतलब अगर हमारे लिए कोई यहाँ पे आके हमारे बिजनेस में गाना गाएगा तो हमको कितना फायदा होगा, तो मैं सोच रहा हूँ गाइस जल्दी से चलते फटाफट से और उसको हम लोग 3 अगली बेड खरीद के फटाफट से दे देते, चलो गाइस जल्दी, तो गाइस हम लोग फाइनली अपने घर के सामने जो फर्नीचर दुकान है वहां पे आ चुके हैं और जल्दी से हम लोग 3 अगली बेड परचेज कर लेते ताकि उस बंदे को दे के हम लोग फटाफट से ले सके उसको अपने साथ, हम लोग उठा लूंगे इसको मैं, अच्छा ठीक है, और एक और किधर है, ठीक है ये बेड भी हम लोग उठा लेते हैं और ये 3 अगली बेड चल के हम लोग उसको जल्दी से फटाफट से दे देते, उसको देने के बाद हम देखते कि हमको क्या फायदा हो सकता है, हमारे लिए सिंगिंग करेगा क्या वो गिटारिस्ट जो भी है, गिटार विटार बजाता है कि नहीं हम लोग देखते, अगर बजाएगा तो क्या पता है हमारा सेल्स वेल्स बढ़ जाए और हमको इसी बहाने शायद लखपति बनने का मौका मिल जाए, इसको मैं 3 बेड जल्दी से दे देता हूं, शायद इसके घर में 3 लोग हैं, माय सिब्लिंग्स विल बी हैप्पी, चलो भाई इसका हमने जो है फूर्ति कर दीजिए, हम लोग चेक कर लेते हैं और भी कुछ बच रहे के जगह, अगर यहाँ पे कुछ रह जाएगा गली वली तो हम लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेंगे, यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ है कि यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो ये गलियों में तो कुछ नहीं मिलेगा, और भाई को अब हम लोग को लेके जाना है अपने साथ शायद हम लोग को अपनी जगहों में, तो देख लेते हैं भाई सब बात कर लेते हैं, भाई क्या बोलते हैं, चलो गाइस हम लोग फाइनली भाई को अपने साथ लेके जा रहे हैं सिंगिंग के लिए हमारे जगह पे, शायद ये सिंगिंग करने के लिए अब हमारे साथ चलेगा, चल 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 जल्दी आ जा जल्दी आ जा, अगर ये वहां गाना गा दिया तो क्या पता हमारे रेटिंग्स बढ़ जाए और हमारे साथ लोग और ज्वाइन होने का ट्राई करे, कितने किधर गया, अच्छा इधर है, ठीक है ये अब हमारे साथ आएगा और ये हमको शायद फायदा कर दे इसी बहाने, यार रेटिंग तो गिरे जा रही है लेकिन इस चीज का मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, और ये लोग पानी अलग मांगते हैं यार, मैं पानी देने के लिए यहां पे कोई है भी नहीं मेरे साथ, गाइस देखता हूं मेरे साथ कोई यार यहां पे एनपीसी खुल सकते हैं क्या, एनपीसी तो अभी नहीं खुलेंगे गाइस, खुलेंगे तो मैं किसी को सैलरी देके यार यहां पे काम पे लगा लूं, पैसा तो ठीक ठाक ही कमाई हो रहा है, एक पेपर भी लेके आ जाता हूं, अगर शायद मैं पेपर यहां पे रखूं तो शायद हो सकता है बंदे मुझसे थोड़ा ज्यादा आने लगे यहां पे, मैं 2-3 पेपर खरीद लेता हूं, 2-3 पेपर खरीद के रखने से ना क्या हमको फायदा होगा, तो हमको शायद लोग हमारे यहां पे आए तो न्यूज़पेपर पढ़े तो शायद ना खाए लेकिन शायद न्यूज़पेपर भी पढ़ ले तो एक अच्छी चीज हो जाएगी हमारे लिए, तो मैं यहां 2-3 न्यूज़पेपर रख देता हूं ऐसे सजा के, तो क्या न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे अखबार तो शायद लोगों को इंटरेस्ट आएगा सब पढ़ने के बाद, तुम लोग खाओ वहां न्यूज़पेपर रखा गाइस तो वहां से उठा लेना, इसको मैं बाद में सजाऊंगा अच्छे, अभी और कोई हिडन प्लेसेस रहेगा तो गाइस उधर चलते हैं हम लोग, इधर क्या है, अच्छा गाइस हैं स्पाइसेस, नाइस ये फर्स्ट टाइम देखा मैं स्पाइसेस भी मिलते हैं यहाँ पे, स्पाइसेस क्या हम लोग इसको अंदर रख सकते हैं कार्ट के अंदर, नहीं क्या करूंगा मैं स्पाइसेस का यहीं रख देता हूँ फिलहाल, पता नहीं मुझे इसका क्या काम है, समथिंग ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, क्या गिरा स्काई से, यार कुछ तो दिख रही नहीं है मुझे गिरते हुए और तुम लोग बोलते हैं स्काई से कुछ गिर रहा है, वेल अगर वो चोर आएगा तो चोर के ऊपर मेरा अलग नजर है, और कहीं पे गाइस हिडन प्लेसेस रह गई है क्या, देख लेते हैं हम लोग जल्दी, वैसे तो ये मैडम जी ने हमको 60 लोगों को पकड़ के आने के लिए कहा है, ये मैडम के पीछे और कोई गली है क्या, नहीं है इधर, और देख लेते हैं हम लोग यहाँ कुछ मिल जाएगा कहीं पे, चलते हैं हम लोग जितने भी छुपे छुपे वाली जगह है गलियों जैसी वहां पे हम सब जगह जाएंगे और अच्छे से चेक करेंगे कि कहीं पे कुछ रह तो नहीं जाए हमसे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमसे कुछ रह ना जाए, नहीं इधर तो कुछ नहीं है यार, नहीं इधर तो मैं आ चुका हूँ भाई, मेहनत अच्छा कर रहा है हमारा बक्सो मैन, उसको करने देते, बाकी हम देखते हैं यहाँ पे और कुछ बच रहा है क्या हमसे, ये जगह इधर भी कुछ होगी क्या, ओहो ये क्या है गाइस, वांटेड रिपोर्ट इमीडिएटली इफ यू सी दिस पर्सन, एक सेकंड गाइस, तो गाइस अब देखते हैं हम लोग, पता नहीं यहाँ पे हमको शायद कुछ मिल जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली है, तो फिर मुझे स्पाइसेस मिले, ये स्पाइसेस का काम क्या है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है स्पाइसेस से मिलेगी क्या हमको, फिर भी इधर भी हम लोग जाके देखते हैं, हमारे गली के पास है, हमारे घर में भी शायद कुछ चीजें बच गई हो, यहाँ पीछे पे मैंने छोड़ दिया था एक बार तो शायद वो भी बच गई थी, ये भी ले लेता, बक्सो मुझे काम आएगी, बक्सो यार फ्री की मिल रही, यहाँ देखते पीछे और कुछ बच गई थी क्या,
क्या हमारे नहीं, यहाँ पे और कुछ नहीं बची थी। तो ये सब तो हम हिडन प्लेसेस जहां जहां सर्च कर सकते सब जगह सर्च कर दे रहे हैं। इधर भी देखते इधर कुछ होगी क्या हमारे पास हिडन प्लेसेस में। ओ गाइस ये तो मैं आज तक नहीं देखा था, यहाँ पे ऐसा भी कुछ है। बाय एनिक, बाय राइजू गेमिंग, बाय वर्क, क्या गाइस यहाँ पे गिटार भी है। आई वंडर हाउ इट फील्स टू ओन द लेजेंडरी प्रेजर द आर्केड। ओ ये आर्केड वाली जगह है, आर्केड की चीजें यहाँ पे मिलती है क्या? ये तो मैं पहली बार देखा, ऐसा कुछ भी है यहाँ पे पीछे। ओ भाई ये देखो यहाँ पे क्रेट गिरी है गाइस, तो उसको जाते हैं तो क्रेट को भी उठा ही लेता हूँ मैं अपने साथ। और यहाँ पे कुछ है क्या कहीं पे हिडन प्लेसेस? नहीं इधर भी नहीं है। बाकी आर्केड आएंगे यार एक दिन, अच्छा फंक्शन वंक्शन रख के यहाँ पे आर्केड भी घूमने आएंगे। यहाँ पीछे भी देखते हैं हमारे पास यहाँ कुछ होगी क्या भूतिया जगह में। नहीं गाइस यहाँ तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये जगह तो पूरी खाली है। पता नहीं क्यों पड़ी हुई है वीरान, यहाँ भूत होते हैं बोलता। अब पता नहीं, मैंने तो कभी यहाँ भूत देखा नहीं है लेकिन यहाँ भूत होते हैं बोलते। ओके गाइस ये भी कुछ चीज यहाँ पे लगी हुई है, ये क्या चीज है? ये रोबोट है। ओके आई हाँ एम लूजिंग पावर, ठीक है क्या करें फिर हम? प्लीज ब्रिंग मे बैटरी लेवल 1। अच्छा फिर इसको हम लोग बैटरी ला के देंगे तो ये क्या करेगा? लेवल 1 बैटरी लेवल 1 चाहिए इसको 6। हम इसको एक बार ला के दिखाते। बे साले तू बिना पैसा दिए कैसे भग रहा है? अरे तो मार ही नहीं खा रहा भाई, देख रहा है भग रहा है अलग है। जा भग जा भग जा भग जा भग ले जा, पैसा तू दे देगा ना उसके बाद तू भग सकते जिधर चाहे भग। जिधर भगना है भग तू, जिधर भगना है भग। ठीक है अभी तो हमारा ठीक ठाक चल रहा है बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं। आज अभी तक एक भी चोर नहीं आया, जब मेरे को चोर की ज्यादा जरूरत है तब वो आ रहा नहीं है साला। छोटा एक बार आ जाए ना तो उसको आया ना तेरी। गुड जॉब बीट अप मोर थीव्स एंड आई विल, कुछ तो देगी पता नहीं हमको, प्राइज वाइज देगी शायद। तो हम लोग ऐसे मारते रहे थीव्स, हमको कुछ प्राइज मिलेगा। फिलहाल मैं ये चीज यहाँ रख देता हूँ, मैं इसको अपने साथ लेके क्यों घूम रहा मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं अपने साथ जो बक्सो लाया इसको भी यहाँ पे रख देता हूँ ताकि हमको ज्यादा से ज्यादा और हेल्प करने को हो सके। वैसे आज सेल्स तो अच्छी चल ही रही है, हमारे 10,450 रुपए की कमाई हो चुकी, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं चल रहा है। हमको कुछ अब और चीज करनी पड़ेंगे कि हमारी कमाई बढ़ सके। फिलहाल मुझे अभी एक चीज ये करना है कि मुझे बैटरी खरीद के आने। बैटरी मुझे किधर मिलेगी? इस साइड मिलेगी आई गेस, इस साइड में बैटरी उस पर लगा के देखता हूँ। उससे होता क्या है मुझे अभी एक चीज ये पता चले, अगर मैं बैटरी लगा दूंगा तो होगा क्या मुझे ये जानना है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और मुझे ये चीज जानना है कि वो जो गिटारिस्ट आया था उससे आगे हम लोग करवा के सकते हैं, उससे भी मुझे अभी बात करना होगा। पहले मैं इसको बैटरी दे देता हूँ जाके। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं 1, 2, 3, 4 और ये 5 अभी 5 फिलहाल मैं इंस्टॉल करके आता हूँ उसके अंदर बैटरी, देखते हैं क्या होता है उसके बाद। या तो गाइस हमने 5 बैटरीज जो है इसके अंदर डाल दी है, एक और बैटरी बचती है, बस हम लोग उसको जल्दी से डाल के देखते हैं कि क्या चीज होता है, फटाफट से चेक करते हैं। क्योंकि भाई मुझे अब रहा नहीं जा रहा कि अगर हम लोग इसके अंदर बैटरी डालेंगे तो होगा क्या मुझे ये चीज डालना है। अगर ये पता चल जाता है हमको जल्दी से, बक्सों वाला ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेते जो आया है जोमेटो भाई की तरफ से, अगर वो हम लोग को पता चल जाएगा तो हम लोग देखते हैं फिर क्या होगा गाइस। अगर ये हम लोग उसको बैटरी खिला देते, आई फील रिचार्ज, तो अब क्या करें हम लोग? फिर अब क्या करेगा भाई ये? फिर क्या करेगा ये? फट जाएगा क्या भाई? ये फटेगी क्या फिर भाई? ये करता क्या है फिर उसके बाद? करेगा क्या ये बंदा फिर? भाई बैटरी मैंने तुझे दी है, जान मैंने तुझे लाया है, फिर तू कर क्या रहा है इधर भाई? कुछ तो कर भाई, कर क्या रहा है यहाँ खड़े होकर? मुझे नहीं समझ आ रहा है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो गिटार वाला किधर गया? वो गिटार वाले को मैंने यहाँ पे लेके आना था, वो गिटार वाला चला किधर गया? भाई वो गिटार वाला मेरे साथ आ रहा था इस साइड, अब पता नहीं वो रह किधर गया, वो अभी तक आया नहीं, पता नहीं किधर रह गया वो। उसको मैंने बुलाया तो था अपने साथ, तो वो किधर रह गया मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही। यही था वो गिटार वाला, एक मिनट देखते है गाइस। वो गिटार वाला रात को आता है? अच्छा तो वो रात को आएगा आई गेस, रात को गाना बजाने आता है वो। अच्छा रात को एंटरटेनमेंट होने के लिए वो शायद रात को गाना बजाने, अगर वो रात को आएगा तो रात को आके गाना बजाएगा। अभी हम क्या कर सकते? कोई बात नहीं गाइस, अभी फिलहाल हम लोग अपनी दुकान के बारे में भी सोच लेते, क्योंकि भाई के पास अभी मुझे देखना पड़ेगा क्या दिक्कत हो रही है भाई को। कुछ सामान की दिक्कत है? सामान की तो कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल मुझे, सामान वामान तो सब सही से जा रहा है। बस दिक्कत की बात है कि बक्सों में इनका स्पीड बहुत धीरे है, अगर वो इतने स्पीड में किसी को खिलाएगा तो मुझे तो नहीं लग रहा कि लोग और आने वाले हैं। तो मैं सोच रहा कि गाइस हम लोग एक बार जाके थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेते हैं बक्सों में इनकी, तो जिससे हमको थोड़ा फायदा हो जाए। ये सब चीजें भी मुझे देखनी है यार, अगर ये सब चीज हम लोग लगा कर देखेंगे। बाय क्रैकर्स, ये क्या होता है? बाय फ्राइड वॉन्टन, ये क्या होता है? टोफू क्रैकर्स, ये सब चीज रखने से क्या हमको फायदा होगा क्या? एक मैं लेके देखूंगा गाइस, अभी नहीं लेते यार गाइस, अभी रुक जाते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। अभी फिलहाल के लिए ना हम लोग, अरे भाई देख रहे हैं वहां बिना, एक तो भाई मेरे पास गरीबी इतनी हो रखी है, ऊपर से भाई तुमको ऐसे पैसे दिए मैंने भागने होते ना सालों, बहुत मार खाओगे, बहुत बहुत इतना गंदा मार खाओगे ना। एक तो साला पैसा नहीं मिल रहा मुझे, पर तुम लोग भाग रहे अलग हो भाई। साला
मैं आज कोई पैसा ही नहीं कमा रहा हूँ भाई, आज अभी तक के मैंने कुछ कमाई ही नहीं की है, कुछ भी कमाई नहीं हो रही भाई, आज कुछ भी कमाई नहीं हुई। इंपॉर्टेंट बात यह कि अभी हम लोग चल के जल्दी से अपने जो बक्सो मैंने उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाने की ट्राई करते हैं, अगर हम लोग नहीं बढ़ाएंगे तो शायद हमको हो जाएगी बहुत बड़ी दिक्कत, क्योंकि भाई ये कैसे सर्वाइव करेगा मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। फिलहाल हम लोग जल्दी से फटाफट से इसका स्पीड बढ़ाने का देखते हैं, क्या हम स्पीड बढ़ा पाएंगे। वैसे चोर तो अभी नहीं आएगा तो फिलहाल हमको ओके, ये हम अभी बाय तो कर सकते हैं, ये 15,000 वाला भी एक अवेलेबल है तो ये वाला एक खरीद लेते हैं गाइस, शायद स्पीड बढ़ जाए। अभी मेरे पास कितनी बची है, 3,300, अभी ये मैं थोड़ा बचा लेता हूँ, फिर मैं कुछ और भी चीज लूंगा। ये क्या है, कुक्स बेटर विच विल इंक्रीज द मैक्सिमम रेटिंग। अच्छा रेटिंग भी बढ़ा सकते हैं इससे हम लोग, 750 का एक ये ले लेता हूँ, अगर ये अच्छा बनाएगा तो इससे हिसाब से मुझे फायदा होगा क्या। हाँ यार एक ले लेता हूँ, बस ये एक चीज ले लेता हूँ, और कुछ ले सकता क्या मैं? नहीं यार गाइज अभी मेरे सब अफोर्ड के बाहर है, अगर मैं खरीदूंगा अभी हर चीज़ तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं बचने वाले पैसे। लेकिन फिलहाल मुझे अभी इन्वेस्ट तो करनी थी तो मैंने कर दी। वॉक्स फास्टर ये ले लूँ क्या यार, ये रहने दो, एक वॉक फास्टर ले ही लेता हूँ यार, लो हो गया भाई आज के लिए इतना लालचपन खत्म है। मेरे पास भाई अब 2,470 रुपये बचे, अब इतने में तो मैं भाई मेरे को मैं कंगाल हो जाऊंगा भाई। तू थोड़ा स्पीड कुक करना सीख रहे बाबा, तेरे चक्कर में साला मैं एक रुपया नहीं कमा पा रहा हूँ यहाँ पे, साला पूरा गरीब हो गया हूँ। अब तू मेरे को पैसे छाप के दे भाई, बहुत सारे पैसे छाप के दे, बहुत सारे जितने पैसे छाप सकता छाप, जल्दी जल्दी छाप भाई, तू जितना स्पीड बढ़ा सकता बढ़ा भाई। अगला जो है मैं 15,000 में ले सकता हूँ इसका स्पीड, और तो दिक्कत की बात तो हो नहीं रही है, सब जन लगभग खा ही लिया, अभी तो हम लोग को जाने का टाइम हो रहा है क्योंकि रात हो गई है। अभी फिलहाल मैं ये सब चीज़ बंद कर देता हूँ, रेप्लिकेंट को उठा लेता हूँ अपने, क्योंकि रेप्लिकेंट जल रही है तो वेस्ट हो ही रही है मेरे हिसाब से, तो कोई मतलब की नहीं इतनी रेप्लिकेंट मैं जलाऊंगा भाई, कोई जब है ही नहीं तो रेप्लिकेंट जला के करूंगा क्या मैं। तो गाय हम लोग अभी सोने के लिए चलते जल्दी से फटाफट से, मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल, सोच रहा हूँ क्योंकि अभी ये जाने ही वाला है, क्लोज हो गया। अरे अरे भाग कहाँ रहे, अच्छा आखिरी बंदा बोल के भगेगा तू ऐसे, चलो 2,620 रुपया है। तो गाय अभी हम लोग चलते हैं फिलहाल, सो जाते हैं और अगले दिन हम लोग मिलते हैं जल्दी से, क्योंकि हम लोग को और बहुत सारे पैसे कमाने, कम से कम 10-15,000 और कमा ले तो ज्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो अभी हो चुकी है शाम, अभी भी हमारे बक्सों का जो काम है अच्छा चल रहा है, लोग एकदम दबा के पेल के खा रहे, जितना खाना है खाओ भाई खाओ, बस पैसा कमाते रहना है हम लोग को भाई। अभी तो ज्यादा कमाई हो नहीं रही है, वैसे हम लोग 4,221 रुपए ही कमाए हम लोग, तो यार बहुत कम कमाई है, 4,221 असलियत में नहीं है, 42,51,000 असलियत में केस में है। मतलब बक्सो इतना महंगा है कि लोग उसको मतलब केस में खरीदते हैं यहाँ पे, इतना महंगा कौन बेचता है भाई, पता नहीं ये करेंसी लोग कैसे रखे हैं लोग गेम के अंदर, कि लोग का लाख में जा रहा है खर्चा, हजारों में जा रहा है, इतना क्या है मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन यार मुझे अभी तक के वो नहीं मिला रहा हमारा गिटारिस्ट, पता नहीं वो जो गिटार बजाता है गिटार वादक, पता नहीं यार अभी तक के मुझे मिला ही नहीं है एक बार भी साला, जब से वो उसको मैंने 3 अगली बेड दिए साला कहां चोटा भग गया, मिल भी नहीं रहा साला, और मेरा 3 बेड लेके चला गया फ्री में भाई। मैंने फ्री में थोड़ी दिया था उसको, मैंने सोचा था कि भाई वो काम करेगा तो उसी बहाने थोड़ा मैं उसको दे देता हूँ 3 बेड। अब मुझे क्या मालूम था साला एक नंबर का चोर निकलेगा वो, अब वो मिल ही नहीं रहा है, तो अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ मैं कब से, अगर वो मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, मिल ही नहीं रहा। लेकिन यार मैंने पूरी सिटी हर जगह खोजा उसको, पता नहीं यार कहाँ पे छुप के बैठा है, बस मुझे वो मिल जाए तो फिर मैं देखना उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, कहाँ पे गया मुझे समझ नहीं आ रहा, कब से मैंने उसको खोज रहा हूँ मिल ही नहीं रहा, ना इस जगह पे है वो जिस जगह पे हम लोग उसको पहले मिले थे, ना कहीं और है, पता नहीं किधर चला गया, बस मिल ही नहीं रहा। मेरे को यही चीज समझ नहीं आ रही कि कहाँ गया है वो भाई, एक बार मिलेगा तो कम से कम उससे बात करूं भाई, क्या दिक्कत हो गई है उसको पता नहीं भाई, आना ही बंद कर दिया है जब से 3 बेड लिया, पता नहीं क्या कर रहा है वो, किधर है क्या है किस हाल में है मुझे यही नहीं पता, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कब आएगा भाई वो। आप देखते हैं गाइस लाइट जलाए, मेरे को पिछले बार वो शाम के वक्त मिला था यहीं आसपास, ये देखो फाइनली गाइस ये पता नहीं इस कोपचे से इलाके से निकला और ये कहां जा रहा है भाई, पता नहीं इसको ब्रेकिंग न्यूज में लाना पड़ेगा, ब्रेकिंग न्यूज गाइस गिटारिस्ट 3 बेड लेने के बाद पता नहीं यार कहां चला गया था भाई, छुप गया। तो भाई तू कहां था भाई, तुझे गिटार बजाना है कि नहीं भाई, कैसा कर रहा है ये बंदा भाई, बजा लेना गिटार, तुझे क्या दिक्कत है भाई, मैंने 3 बेड दिए अगली बेड तुझे इसमें भी दिक्कत है भाई, मतलब भाई मैंने अच्छा इंसान समझ के तेरी मदद की और तू भाई ऐसा करेगा भाई, भाई बात तक करने का ट्राई नहीं कर रहा भाई, वो बंदा मुझे इग्नोर करके चला जा रहा है, बस चला जा रहा है भाई। हेलो हेलो हेलो, मैं दिख रहा हूँ कि नहीं भाई, अरे कैसे इग्नोर कर रहा है भाई, तुझे भी मुक्का खाना है क्या भाई, तुझे भी मुक्का खाना है क्या भाई, बोल ना, बोलता क्यों नहीं भाई, चुप क्यों है, बोल ना भाई, बिल्कुल बोल ही नहीं रहा कब से, पता नहीं मुझे इग्नोर के बस चला जा रहा है क्यों पता नहीं भाई, कुछ कह तो दे भाई, कुछ तो बोल भाई यार, ये मेरा 3 अगली बेड ले लिया रहा है, अगर ऐसे ही करना था भाई तो बोला होता मैं तुझे 3 अगली बेड नहीं देता ना खरीद के भाई, मेरे पैसे बचे होते, साला मुझे खर्चा लगता है, ये क्या बोल रहे हैं। हाय व्हाई आर यू हियर, भाई बिल्कुल रहूंगा मैं, बाय द वे थैंक यू फॉर योर लास्ट टाइम हेल्प, माय सिब्लिंग्स आर सो हैप्पी विद द बेड यू गिव अस, राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू गेट फूड फॉर देयर ब्रेकफास्ट। हां भाई तुझे कैन आई आस्क फॉर योर हेल्प अगेन, अ स्टोव विल बी रियली हेल्पफुल, क्या
अब इसको हेल्प चाहिए स्टोव के लिए। भाई यार अब मुझे स्टोव खरीद के लाना पड़ेगा इसके लिए। यार चलो यार जल्दी जल्दी स्टोव खरीद के आते हैं भाई। स्टोव खरीद के आके इसको देते हैं। और वहाँ चोर साला हमारा वो चोरी कर लिया यार। यार इसको भी जल्दी जल्दी स्टोव खरीद के लेता हूँ मैं यहाँ से, वरना यार वो मेरा वहां से कार्ड चोरी करके चले गया। वो इस साइड ही आएगा, उसको मेरे को जल्दी पकड़ के मारना पड़ेगा भाई। वो इस साइड ही आएगा वो चोर छोटा भागते हुए हमारा वो लेते हुए स्टोव। अरे यार एक हमारा खाना खा के भी भग गया एक इंसान यार। अब पकड़ना पड़ेगा भाई वो चोर को। वो चोर साला हमारा कार्ड चोरी करके भाग गया भाई। नहीं यार वो हमारा वो चोर करके चला गया बेंच। यार मेरा एक बेंच चोरी हो गया गाइज यहाँ से। यार वो चोर, यार मेरे को चोर को मारना पड़ेगा। ये मैडम ने मुझे कहा था कि अगर मैं 60 चोर पकड़ के ला दूंगा तो वो मेरे साथ मेरी टीम ज्वाइन करेगी। खैर फिलहाल ये सब चीज इग्नोर करते गाइज। जल्दी जल्दी हमारा थोड़ा लॉस भी हो रहा है यहाँ पे और चोर भी बार बार आ रहे। पता नहीं यार मैं ही एक बिजनेसमैन थोड़ी हूँ यार, बक्सों का काम कर रहा हूँ तो बाकी लोग भी और हैं, उनको भी जाके पकड़ो। खैर ये सब इग्नोर करते हैं, हम लोग इसको भी देके अपने साथ बुला लेते हैं, कैसे भी ट्राई करते हैं, क्योंकि ये नहीं आएगा तो भाई मेरे लिए दिक्कत होगी। नाउ वी कैन कुक इंस्टेंट नूडल्स, प्लीज ब्रिंग मी अ स्टोव। अब तो मैं दे दिया भाई, अब तो बात ले। अब ये चलेगा क्या मेरे साथ? अब ये मेरे साथ चलेगा क्या गाना गाने के लिए? अब ये चलेगा क्या मेरे साथ? मेरे को नहीं पता गाइस, लेकिन जितना भी है अभी हम लोग बहुत ज्यादा लॉस में है गाइस। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, पता नहीं चोर भी हमसे ही चिढ़ रहे हैं भाई, चोरी हमारे पे ही हो रही है। खाना भी लोग हमारा ही पता नहीं उठ के चल जा रहे हैं। हम लोग का थोड़ा बक्सो भाई इतना लेट बना रहे तो खाना लोगों को गुस्सा आ रहा है। ये गिटार वाला भी मुझे पता नहीं भाई क्यों इतने गुस्से में रहता है, हर एक छोटे बात में कुछ ना कुछ मांग लेता है, बस अभी तक एक भी काम किया नहीं भाई। एक बार अरिजीत सिंह का गाना गा दे भाई, एक बार अरिजीत सिंह का कोई गाना अच्छा था गा दे भाई। तुम ही हो गा दे भाई, चन्ना मेरे ही गा दे कम से कम, लेकिन गा दे भाई गा दे। तेरे गाना सुनने के कारण शायद हमको कुछ फायदा हो जाए भाई, तू थोड़ा सा गाना गा दे भाई। अबे ये जा किधर रहा है भैंस की टांग? अबे उधर नहीं मेरा, अबे भाई मेरा बिजनेस इधर है भाई, इधर है, इधर चल दे भाई, थोड़ा सा चले जा भाई, थोड़ा सा चले जा भाई। यार क्या इंसान है भाई, अभी भी इग्नोर करके चला जा रहा है भाई। अरे ऐसा क्यों कर रहा है भाई? भाई ये बहुत गलत इंसान है भाई, मैं इसको याद रखूंगा। अगर ये अगले बार ऐसा करेगा ना तो मैं इसको बहुत गंदा मारूंगा। गाइस कोई बात नहीं, अभी रात हो गई गाइस, हम लोग अभी चल के सोना पड़ेगा। बक्सो भाई भी आ रहे हैं, तो इससे पहले कि बक्सो भाई आए मैं जल्दी से सो जाता ताकि बक्सो भाई को आना ना पड़े उधर तक, और मैं सो के सुबह कर देता हूँ गाइस। चलो तो गाइस आज मैं सुबह सुबह अभी यहाँ से सो के उठ के अपने घर से आ रहा हूँ, और घर से आने वक्त मैंने इस साइड क्या देखा कि हमारा जो गिटार का वादक है, गिटारिस्ट, वो यहाँ पे खड़ा है। और तू क्यों खड़ा है भाई, तुझे अब क्या चाहिए? अब फिर से तू बोलेगा कि भाई मुझे कुछ चाहिए? व्हाई डू फेट कीप ब्रिंगिंग अस टू ईच अदर? वाह 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 भाई, तू इतना फ्री का सामान खा चुका है, इतना तो भाई मतलब अनु मलिक अपने गाने में नहीं बोलता जितना तूने अभी तक फ्री का सामान ढकेल लिया है। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प, नाउ माई सिबलिंग्स एंड आई कैन कुक इन अवर रिफ्यूज कैंप। अब कुछ मत मानना, इफ ओनली वी हैव अ रेफ्रिजरेटर एवरीथिंग विल बी मच इजी। अरे यार भाई क्या है यार, ये फिर से मुझे एक चीज खरीद के देना। अरे भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा पैसा दे देता ना भाई, तू रख लेना एक काम कर। अब रेफ्रिजरेटर मांग रहा है भाई, यार क्यों? हम इसको कितने चीज और खरीद के देंगे भाई? अब एक रेफ्रिजरेटर कितने का भाई? 2,250 रुपए भाई, तो कुछ ज्यादा हो गया यार रेफ्रिजरेटर में। मैं तो अपने लिए नहीं खरीदा यार अब तक यार उसको। यार मेरे पास उतने पैसे ही नहीं बचे यार, 2,130 भाई यार इतना महंगा है यार। वी कैन फाइनली ईट अनस्टेल फूड। अरे यार भाई मैं स्कोर कितने दूंगा पैसे यार, मेरे पास, मैं गरीब, तेरे कारण मैं गरीब हो चुका हूँ यार। साला यार हर बार कुछ ना कुछ मंगाता है लेके पैसा बस चला जाता है, एक बार भी गाना नहीं गाया अभी तक यार। ये कितना पैसा लेगा यार, और कितना पैसा लेगा भाई? यार छोड़ो यार इसको, इग्नोर करो, हम अपने उस जगह पे चलते यार काम पे। ये जो मक्खी है ना इसको भी मारो यार, ये मक्खियां भी बहुत ज्यादा। मेरा आधा ज्यादा दिमाग का खराब तो ये मक्खियों के कारण हो रखा है यार। कितना दे भाई उसको और कितना सामान दे, मैं गरीब हो गया हूँ भाई, पूरा गरीब हो गया हूँ, मैं लुट गया हूँ। अब इससे ज्यादा और मैं उसको कुछ खरीद के नहीं दे सकता मेरे भाई, मेरे पास इतना ही था भाई, अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकता। लोगों को देखो भाई, दिन ब दिन बस जाए जा रहे हैं, मेरा एक बूंद खाना कोई खा नहीं रहा ऊपर भाई, मेरे पास एक तो कस्टमर आ नहीं रहे ऊपर से, तू इतना भाग जो पैसे दिए मैंने भागे जा रहे हैं ना, तेरे कारण मुझे इतनी दिक्कतें हो रही है यार। ये लोगों को ना मुझे इतना मारने का मन कर रहा है ना, जो बिना देख लो भाई, वो एक तो इतना छोटा इंसान है, साला हर बार बस ले लेता सामान और बस चल दे जा देता है, एक बार भी ये नहीं पूछता कि भाई कुछ चाहिए क्या तुम्हें हेल्प। ये मैम बस मैं 60 जैसे पकड़ लूंगा, ये मैम मेरी गार्ड बन जाएगी वहां पे बक्सो वाली जगह पे। अगर मैं 60 चोरों को पकड़ लूँ, 60 मुल्कों की चोरों को पकड़ लूंगा तो मैम यहाँ पे मेरे लिए गार्ड का काम करेगी, और फिर मुझे कभी भी चोरों की दिक्कत नहीं होगी, और मैं जब जैसा चाहे काम करके आ सकता हूँ, मैम तब तक गार्ड करेगी, और मुझे पैसा मैम को दे के रखना पड़ेगा अपने साथ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पैसे के तौर पर मैम को दे के रख लूंगा, और मैं थोड़ा पैसा अच्छे से सुकून से कमा पाऊंगा ताकि मैं और मेहनत कर पाऊंगा, दूसरे जगह ध्यान भी दे पाऊंगा दूसरे बिजनेसों में। तो गाइज अभी फिलहाल हम लोग इंतजार कर लेते हैं, और कोई चोर आता है तो और उठा लेंगे, चोर आएगा तो अभी।
यार गाइस, ये हमारा बक्सो शॉप ने भी हमने अभी तक के बंद कर दिया, लेकिन हमें अब तक नहीं पता कि हमारा गिटारिस्ट किधर है। हमारा जो गिटार बजाता है वो बंदा किधर गया, हम कब से ढूंढ रहे हैं उसको। सुबह से शाम हो गई लेकिन अब तक वो मिला नहीं है हमको। हम थोड़ा टाइम और खोजेंगे अभी, क्योंकि हमारा शॉप तो क्लोज हो चुकी है, तो हमारे पास टाइम है थोड़ा, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है लेकिन थोड़ा सा टाइम है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम वो जो गिटारिस्ट है उसको ढूंढे और हम उसको रीच आउट करें, क्योंकि अगर वो अब मिल जाता है रात के वक्त, वो नॉर्मली मिलता है मुझे, अधिकतर टाइम मुझे वो रात के वक्त मिला है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं उसको खोजूं। अगर वो यहीं कहीं मिल जाए मुझे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अभी गाइज हम लोग जल्दी से खोजते हैं उसको सब जगह, अगर वो कहीं मिल जाए हम लोग को इस जगह पे हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अभी हम लोग को डर नहीं है। वो गाइज यहाँ पे क्रेट है, तो एक क्रेट हम लोग रख के आ जाते हैं। मैं सोच रहा हूँ गाइस ये क्रेट एक ही साथ हम लोग ओपन कर लेंगे, क्योंकि मैं बार बार बॉम्ब का वेस्ट करूँ पैसा, ये तो मतलब ही नहीं होगा। इसलिए ये देखो मैंने एक साथ इधर रख दिए सब बॉक्स, यहाँ बीच में एक बॉम्ब रखूंगा और ये पूरे बॉक्स को एक साथ फोड़ दूँ। वेल गाइस हम लोग चलते हैं इस साइड से और देखते हैं क्या इस साइड हम लोग को मिलेगा वो गिटार वाले भैया। अगर वो मिल जाए सस्ते अरिजीत सिंह भाई, तो हम लोग के लिए ईजी पड़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि यार मैं थोड़ा चाहता हूँ वो गाना वाना गाए, तो थोड़ा हमारी कमाई कैसे भी बढ़ जाएगी। अगर कमाई थोड़ी बढ़ जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। पिछले बार तो यहीं कहीं मिला था, इस बार तो हम लोग देखते हैं यहीं कहीं मिल जाए हमको। ओ गाइस, तो हम लोग को फाइनली मिल गया ये गिटारिस्ट भाई। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? बात करता भाई से, व्हाट व्हाई डू फेट कीप ब्रिंगिंग अस टुगेदर, वाह 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 ईच अदर। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी भाई मतलब क्या तरीका है भाई, मैं तो इतने सारे सामान दे रहे, तू ये बोल रहा है योर हेल्प विल ऑलवेज रिमाइंडर बाय माय फैमिली एंड माय सेल्फ बिकॉज यू ऑफ यू वी हैव अ मच बेटर लिविंग कंडीशन, बट देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, इट्स रियली हार्ड फॉर अस टू फाइंड अ प्लेस टू पी। व्हाट, मेरे घर में अगर कैन यू हेल्प अस विद दैट, अब मैं क्या बाथरूम बना के दूं तुझे? अबे यार ये क्या मांग रहा है, ये कहाँ होगी गाइस, ये कौन से दुकान में मिलेगी? अच्छा गाइस, तो वो ये चीज मांग रहा था, वो स्क्वायर टॉयलेट मांग रहा था, यानी कि इंडियन स्टाइल वाले टॉयलेट। तो मेरे को पहले बोला होता भाई, मैंने इंडियन स्टाइल का भाई साहब हम लोग से इंडियन स्टाइल वाला मांग रहे थे भाई टॉयलेट, देख लो बता लो भाई बता लो। हम लोग को लगा कि भाई साहब और कुछ मांग रहे थे। ठीक है गाइस, इसको जल्दी जल्दी देते हैं वरना बहुत ज्यादा रात हो गई, अगर हम लोग ज्यादा लेट कर देंगे रात से। फिर पता नहीं भाई ने हमको चिताया था बक्सो मैंने कि ज्यादा देर तक जागना मत वरना कुछ भी हो सकता है। एक बार देख लेते गाइस, पहले इसको दे देते सामान इसका, फिर हम लोग जल्दी से चलते हैं। भाई ने ये क्या मांगा हमसे मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, ले लेना अब ले ले, नाउ दिस शुड हेल्प अस भाई। तो फिर क्या तरीके भी भाई जा रहा है भाई कभी काम के लिए भी, तो आज कैसा तरीका है इंसान है भाई, कैसा इंसान है भाई, एक तो खड़ा रहता है और मैं आके तेरी हेल्प करता हूँ हमेशा, और भाई बिल्कुल ना हाय ना हेलो बोले ना हेल्प किए बस चला जाता है भाई। सस्ता अरिजीत सिंह है, मानता हूँ तेरे गाने सुनने वाले लोगों को पसंद है, पैसा अभी मैं तुझे बना के दे रहा हूँ फिर भी तुझे दिक्कत है भाई। पता नहीं भाई ये कभी हमको ज्वाइन करेगा कि नहीं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा गाइस। पता नहीं भाई ये कैसे ज्वाइन करेगा, मुझे देखना पड़ेगा गाइस, मुझे इसको कैसे भी अपने साथ लेके आना पड़ेगा, वरना भाई मेरा शेर थोड़ा गिरते जाएगा। हम मेहनत तो कर रहे लेकिन हमारे साथ लोग ज्वाइन नहीं हो रहे थोड़ा, तो ये एक ज्वाइन हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो गाइस सुबह हो चुकी है वैसे, और हमारा बक्सो मैन जो वो जा चुका है सामान वामान लेके, हम भी जल्दी जल्दी से चलते हैं फटाफट से और काम पे लग जाते, क्योंकि भाई वो सिंगर अरिजीत तो मिलने। ओ भाई ये यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहा है, वैसे तो रात को मिलता है, लेकिन हम लोग देखते हैं गाइस यहाँ से इससे बात करके कि ये क्या करेगा हम लोग के लिए भी। हेलो वंस अगेन आई एम सो थैंकफुल फॉर योर हेल्प, ठीक है यू रियली हेल्प्ड अस भाई, मैंने हेल्प तो बहुत अच्छे दिल से किया भाई, मैं मेरे को पसंद है यार ऐसे हेल्प करना। आगे बात, बट माय सिबलिंग्स प्रेफर्ड अ सीटेड टॉयलेट, कैन यू ब्रिंग अस अ सीटेड वन, भैंस की टांग मेरे घर में लगाया था मैंने वो तो एक सेकंड रुकना मैं अभी सीटेड टॉयलेट, आई विल डेफिनेटली रीपे यू। ठीक है चलो इसके लिए एक सीटेड टॉयलेट लेके आ जाते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, सीटेड टॉयलेट मांगा ना लेके आ जाते हैं। पहले हम लोग उसके लिए अपना दुकान बंद कर देते हैं गाइस, क्योंकि मुझे डर है कि अगर वो चोर छोटा और मेरे साथ पैसे का स्कैम हो गया तो फिर मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी गाइस। तो मैं थोड़ी देर के लिए अपना दुकान जल्दी से बंद करके फटाफट से उसके लिए मैं जो वो सीटेड टॉयलेट मांगा जब रात को खरीद के लाया था भाई, तब उसको दिक्कत थी लेने के लिए, अब मेरे को बोलते कि मुझे सीटेड टॉयलेट चाहिए। क्या दिक्कत है भाई इंडियन टॉयलेट में हगने में, मतलब सीटेड टॉयलेट चाहिए भाई, डिमांड जितना हाथ जितना पैसा है उससे ज्यादा तो साला डिमांड कर रहा है भाई, कमा रहे कुछ नहीं है लेकिन मांगे पूरे पड़े हैं कब से। गैस स्टोव दे दिया, रेफ्रिजरेटर, अरे मेरे घर तक में नहीं है भाई रेफ्रिजरेटर, लेकिन तुझे दे दिया भाई खरीद के, और फिर तुझे चाहिए फिर एक और, ठीक चल रहा है भाई, ठीक छे भाई, तुमको अभी जो मांगना है मांग लो, लेकिन भाई अगर गाना नहीं गाना तो फिर देख लेना भाई, ये जो सामान दिया उन्हें सामान निकलवा लूंगा पेट से भी। अरे भाई अभी रुक जाओ भाई, अभी कोई खाना वाना मत खाओ दुकान में, मैं एक सेकंड आ रही है जब तक इसको, अरे भाई हट जाना पत्थर इतना बड़ा, जब तक मैं उसको सामान नहीं दे दूंगा मेरे अभी भाई, जब तक मैं उसको ज्वाइन नहीं करवा लूंगा अपने साथ, मेरे को दिल की ठंडक नहीं मिलेगी भाई। वो गाना बहुत बढ़िया गाता है अगर वो बंदा, मुझे लगता है अगर ज्वाइन कर लिया ना हमको, मुझे पता है गारंटी हम लोग का जो दुकान का नाम है वो बूम बाम हो जाएगा एक तरीके से, और इतना ऊपर जाएगा कि मजा ही आ जाएगा। मतलब भाई मेरे को लगता है कुछ ना कुछ हो सकता है, इसको दे देते हैं गाइस हम लोग। फाइनली दे हैवन पॉप्ड आफ्टर 20 डेज, हैं भाई फाइन
थैंक यू फॉर ऑल। एक्चुअली आई वॉज रियली फेमस म्यूजिशियन इन माई ओल्ड टाउन। ओके गाइज, टू थैंक यू फॉर ऑल योर हेल्प, आई विल बी अ म्यूजिशियन एट योर रेस्टोरेंट। फाइनली गाइज, ये रेस्टोरेंट में हमारे रेस्टोरेंट में फाइनली वो एक म्यूजिशियन का काम करने वाला है। भाई इतना ज्यादा नखरा तो भाई किसी की गर्लफ्रेंड ने दिखाती जितना इसने दिखाया था, लेकिन फाइनली भाई ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो हमारे रेस्टोरेंट में गाना चाहता है। भाई तेरे में पैर पड़ रहा हूँ, भाई तेरे पैर की तरह मेरे को दिखा, तेरे पैर पड़ने, भाई मुझे तेरे पैर दिखा। भाई तूने जो हाँ बोली है ना भाई, सही बता रहा हूँ, बहुत सारे लड़के लोग को यहाँ पे खुशी हो गया होगा, सही बता रहा, बहुत हाँ सुनने के लिए हम लोग मर चुके थे। आई होप माई म्यूजिक कैन मेक द कस्टमर्स हैप्पियर। भाई बिल्कुल, जल्दी चल अरिजीत सिंह भाई, जल्दी चल, तेरा सस्ता गाना लेके जल्दी चल। वंस अगेन थैंक यू फॉर योर हेल्प, सी यू इन द रेस्टोरेंट। भाई आ जाओ, भाई आ जाओ, गाना गाओ भाई। मोए मोए मत गाना ना फिर से भाई, वो मोए मोए धोए धोए, अरे मोए मोए मत गाना भाई, कुछ भी गाना, मैं सुन सुन के वो गाना पक चुका, लेकिन तुम गाओगे तो वही लग रहा है। अब गाइज हम लोग अपना दुकान खोल लेते हैं। वेल गाइज, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, होप करता हूँ कि तुम सबको पसंद आया होगा। लेकिन तुम लोग जाने से पहले गाना तो सुन लो गाइस, अगर भाई गाना नहीं गाएगा तो मजा कैसे आएगा। तो भाई ने गिटार पकड़ लिया और भाई ने रॉकस्टार मूवी डायरेक्ट देखी थी, सीधा आसमान की तरफ देख के गा रहा है। भाई सामने अगर बंदे आएंगे तो तुम लोग से बातचीत कैसे करेगा। कल पता नहीं गाइस, इसका गाना अच्छा हो या ना हो, तुमको कमेंट करके जितने भी गाने आते हैं वो सब कमेंट में लिख देने, और जितने भी अपने सिंगर दोस्त हैं उनको शेयर मारो और लाइक कर दो। अगर खुद भी एक गीतकार हो तो लाइक भी एक गाना का नाम है, और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि गाने का लेवल जो है वो न्यूमर मच्चा के चैनल में है। तो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस गाइस।